द रूम वॉज एज साइलेंट एज द ग्रेव, कमरे में इतनी खामोशी थी जितनी कब्र में होती है, या यूं कहिए न परिंदों की आवाज, न इंसानों की, न कीड़े मकोड़ों की, यहां तक कि हवा की आवाज भी नहीं आ रही है, बिल्कुल खामोश सन्नाटा। लेकिन इस खामोशी से भी एक खामोशी जहां पर मौजूद है, वो कहां पर है? आइए चलते हैं दुनिया के खामोश तरीन कमरे में, जहां आप एक घंटा भी नहीं रुक पाएंगे। दोस्तों, ये कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स को जांचने और दीगर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया है, जिसे पहली मरतबा 2015 में बनाया गया था, और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसकी तस्दीक कर दी है और इसे दुनिया का एक खामोश तरीन कमरा माना गया है। ये कमरा रेडमोंड वाशिंगटन में बनाया गया है। दोस्तों, हम आवाज को डेसिबल में नापते हैं, खामोश तरीन जगह पर भी 40 डेसिबल का शोर हो सकता है, लेकिन इस कमरे की खामोशी -20 डेसिबल से कुछ ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक शख्स ने इस कमरे में 30 मिनट से ज्यादा वक्त गुजारा है, और अक्सर लोग चंद मिनटों के बाद ही बाहर निकल आते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर जाते ही आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं, आप अपने आंतों और म्यादे की आवाजें भी सुन सकते हैं, और उसके बाद हड्डियों की हरकत और अपने रगों में खून के दौड़ने की आवाज भी आप सुन सकते हैं। इसमें बैठने वाला इंसान एक अजीब कैफियत का शिकार हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। इसे अंग्रेजी में एनोविक चैम्बर कहते हैं, जहां आवाज की लहरें, साउंड वेव्स मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ की खामोशी बहुत अजीब लगती है, क्योंकि खामोश तरीन जगह पर भी 40 डेसिबल का शोर हो सकता है, लेकिन इस कमरे में -20 डेसिबल का राज है। बहुत से लोग यहाँ आकर चंद सेकंड में कानों की घंटी बजने की आवाज महसूस करते हैं और कमरे में रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि इस कमरे में आकर कई लोगों ने अपना जहनी तवाज़ुन भी खो दिया है, और लोग अपनी सांस की आवाज से भी डर जाते हैं। इंजीनियरों ने इस कमरे के चारों तरफ और छत पर भी एक खास किस्म के पैनल लगाए हुए हैं, जो आवाज को बिल्कुल मुकम्मल तौर एब्जॉर्ब कर लेती है। यही वजह है इसकी डिजाइनिंग और तैयारी में पूरे 2 साल लगे, ताहम आम लोग इस कमरे की सैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस साइंसी रिसर्च और प्रोडक्ट्स को जांचने के लिए बनाया गया है।